हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स की बात करेंगे जो एक लेबर कॉस्ट माना जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है लेबर से संबंधित कि उन्हें कितना रेम्यूनरेशन देना है, क्या इंसेंटिव्स उन्हें मिलने हैं, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंसेंटिव्स के, रेम्यूनरेशन के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जनरल बात कर लेते हैं कि वेजेस या रेम्यूनरेशन होता क्या है। ये जो भी वर्कर को हम देते हैं, जो भी पर्सन को उसके काम के बदले जो वो मेहनत कर रहा है, जो भी वर्क वो कर रहा है, उसके बदले जो हम उसे पैसा देते हैं वो रेम्यूनरेशन कहलाया जाता है। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन एन एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट पेड एज रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन जितना ज़्यादा हम दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो वर्कर उतना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। रेम्यूनरेशन कम मिल रहा है तो वो माना जाएगा कि उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। तो ये एफिशिएंसी भी डिपेंड करेगी रेम्यूनरेशन पर, और रेम्यूनरेशन भी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। प्रॉपर पे पैकेज कैन अट्रैक्ट द वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज एंड ऑल्सो कंट्रोल द लेबर टर्नओवर इन दैट एंटरप्राइज। अगर हम प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं, प्रॉपर पैकेज है उनका, अच्छी सैलरी वेजेस अगर हम अच्छी दे रहे हैं, वेजेस अच्छे दे रहे हैं, तो वर्कर्स जो हैं वो कंपनी में रुके रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में रुके रहेंगे और लेबर टर्नओवर कम रहेगा। यानी कि वो निकलेंगे नहीं कि कभी एक कंपनी में गए कभी दूसरी में गए, ऐसा नहीं होगा। वो एक जगह ही अच्छा काम करेंगे अगर उन्हें प्रॉपर पैकेज मिल रहा है। बाई गेटिंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन द वर्कर्स रिमेन सेटिस्फाई, वर्क अटेंटिवली, मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड मशीन्स एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर हम उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं तो वर्कर संतुष्ट रहेगा, बहुत ध्यानपूर्वक काम करेगा और जो भी मशीन है, मटेरियल है, उनको सही से यूटिलाइज करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। Satisfactory wages or remuneration rate along with incentive plans are very helpful in enhancing work efficiency। और अगर हम satisfactory payment कर रहे हैं, incentive plans अच्छे दे रहे हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे incentive plans के बारे में, तो remuneration सही है, wages वगैरह सब सही दे रहे हैं हम, तो इससे क्या होता है, ये helpful होते हैं कि जो worker की efficiency है वो increase होती है, बढ़ती है। तो अच्छे package होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स रेम्यूनरेशन इंसेंटिव वेजेस। जो वेजेस होते हैं वो तो हमारे रिवार्ड होता है वर्क करने का, कोई भी सर्विसेज हम ले रहे हैं या वर्क कर रहा है कोई एम्प्लॉई तो उसको हम वेजेस दे रहे हैं। जबकि इंसेंटिव वेजेस क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाता है जिससे कि वर्कर की एफिशिएंसी, उनकी काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ सके। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और बोनस इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना एक ऑर्डिनरी काम करना चाहिए था वो उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके बदले हम उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं या हम प्रीमियम कह देते हैं, तो वो इंसेंटिव वेजेस माने जाते हैं। देखिए, जो मेथड्स की अगर हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन या वेज की, तो देखिए दो तरीके के वेज पेमेंट सिस्टम होता है। पहला है कि हम उन्हें अकॉर्डिंग टू टाइम देंगे और एक देंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। अब क्या समझने की बात है कि अकॉर्डिंग टू टाइम दे रहे हैं, यानी कि अगर वो एक दिन 10 घंटे का काम करना है तो 10 घंटे काम करा उन्होंने, उसके बदले हमने उसे पैसे दे दिए कि भाई एक दिन काम करा, एक दिन के 200 रुपये होते हैं तो 200 रुपये प्रतिदिन हमने उनको दे दिए। और वर्क के हिसाब से क्या होता है कि वर्क के हिसाब से उन्हें आउटपुट निकालना है, टारगेट दिया गया है कि आपको एक पीस के हिसाब से इतने रुपए मिलेंगे, तो वो जितने पीस बनाएगा, जितनी क्वांटिटी बनाएगा, उस हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ऑन दीज टू बेसिस मैनी इंसेंटिव वेज सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बोथ दीज सिस्टम्स। दोनों सिस्टम हैं, दोनों के हिसाब से इंसेंटिव वेज सिस्टम्स ही बने हुए हैं और जो इंसेंटिव सिस्टम है वो दोनों का मिक्स है, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ अबव टू मेथड्स। ये दोनों मेथड्स हैं, टाइम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, उसके हिसाब से इंसेंटिव मेथड्स भी बने हुए हैं। देखिए, जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं वो 3 तरीके के हैं, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। टाइम वेज रेट सिस्टम है, टाइम वेज का मतलब कि टाइम के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। पीस वेज रेट सिस्टम है कि पीस के हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनाएंगे उतना पेमेंट उनको मिलेगा लेबर को। और एक इंसेंटिव सिस्टम वेज सिस्टम है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, तो टाइम बचाते हैं या ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं कंपनी को, तो हम उन्हें इंसेंटिव वेज सिस्टम में यानी कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव उनको देंगे। तो तीनों मेथड को हम एक एक बार समझेंगे। पहले हम टाइम वेज रेट की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल माना जाता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, बहुत पुराना सिस्टम है। इसमें क्या होता है, वर्कर इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस फॉर द डे और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट, कि उसे पूरे दिन अगर ऑफिस में रहा, पूरे दिन फैक्ट्री में रहा तो उसे पेमेंट कर दिया जाएगा जो भी डिसाइड होगा, चाहे वो आउटपुट कितना भी बना रहा हो, कि 10 पीस बनाए कि 100 पीस बनाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो एक दिन रहा तो एक दिन के हिसाब से उसे पेमेंट दे दिया जाएगा। तो इसको हम टाइम वर्क कह देते हैं, डे वर्क या डे वेज रेट या डे रेट भी कहा करते हैं। द वेज रेट ऑफ द वर्कर्स में बी फिक्स्ड ऑन आवरली, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस फॉलोड इन द कंपनी। कहने का मतलब ये है कि जो वेज रेट डिसाइड करेंगे या तो प्रति घंटे के हिसाब से करेंगे कि जितने घंटे ऑफिस में रहा, फैक्ट्री में रहा उतने पेमेंट मिल जाएगा, या वीकली हो सकता है, या प्रति हफ्ता प्रति दिन के हिसाब से हो सकता है, या 15 दिन के हिसाब से, मंथली कि मंथ में तुम्हें 5000 रुपये महीना देंगे तो मंथली भी डिसाइड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी पर, जैसे भी वो पॉलिसी फॉलो करते हैं। अंडर दिस सिस्टम द वेजेस आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वेज रेट विद द आवर्स वर्कड अकॉर्डिंग टू वर्कर्स कार्ड और अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि जितने घंटे उसने काम करा उसके हिसाब से उसे पेमेंट दे दिया जाएगा। अगर ओवर टाइम वेजेस कर रहे हैं तो उसे हम ओवर टाइम प्रीमियम या एक्स्ट्रा महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है, डीए होता है, वो भी वर्कर को दिया जाता है एक नॉर्मल वेजेस के अलावा। यह एक्स्ट्रा पेमेंट भी हम करते हैं। देखिए फार्मूला क्या आएगा, ग्रॉस वेजेस। वेजेस कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मल टाइम है, ओवर टाइम जो करा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेज रेट से। इसके साथ ही अगर ओवर टाइम कर रहा है तो हम ओवर टाइम प्रीमियम रेट, उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, ओवर टाइम के रेट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं वो ऐड कर लेंगे, और प्लस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, महंगाई के हिसाब से ये अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस वेजेस आ जाएंगे। तो ग्रॉस वेजेस आने के बाद पता चल जाएगा कि यह टोटल अमाउंट हम वर्कर को कितना देना चाहते हैं। तो ये टाइम वेज रेट सिस्टम का फॉर्मूला है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये फार्मूला और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं टाइम रेट का, देखिए द टाइम वेज सिस्टम इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले देन क्वांटिटी। जहाँ पर हम क्वांटिटी नहीं देख रहे, पीस का हिसाब नहीं देख रहे कि कितने बनाए हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है रहा है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। जहाँ पर क्वालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पर हम टाइम वेज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल टू मेजर द वर्क डन। अगर हम कैलकुलेट नहीं कर, सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र तो केवल सुपरविज़न करना है, उसको तो हम कैसे पता लगा लेंगे कि कितने पीस वो बना रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर हम पता नहीं लगा सकते कि इस आदमी ने कितना काम करा है तो वहाँ पर हम पीस रेट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम टाइम वेज के हिसाब से ही उसका पेमेंट करेंगे। एंड वेयर द स्ट्रिक्ट सुपरविज़न इज़ पॉसिबल, जहाँ पर हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरविज़न अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि आदमी टाइम वेस्ट ना करे, वर्कर टाइम वेस्ट ना कर रहा हो, तो फिर वो सही काम कर रहा होगा, तो वहाँ पे हम टाइम के हिसाब से ही पेमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, वेयर प्रोडक्शन पासिस थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस एंड डिलेज एंड इंटरप्शंस कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब हम प्रोडक्शन बहुत सारे प्रोसेस में पास होता है, कभी असेंबलिंग हो रही है, कभी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कभी उसका पैकिंग हो रही है, तो बहुत सारा प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसमें डिले भी हो जाते हैं कि एक प्रोसेस पूरा हो गया तो दूसरे प्रोसेस में जाने में उसे टाइम लग रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम पीस के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर हम टाइम वेज के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे। तो ये सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड है कि कहाँ कहाँ पर ये टाइम वेज सिस्टम सूटेबल रहेगा। दूसरा मेथड हम देखते हैं पीस रेट वेज सिस्टम होता है। जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे पीस रेट के हिसाब से, पीस के हिसाब से देंगे कि भाई वो प्रति यूनिट कितना उत्पादन जो कर रहा है, प्रति यूनिट के हिसाब से उसे हम पैसे देंगे, यानी कि 2 रुपये पीस देंगे। तो जितने भी पीस बनाएगा, अगर दिन में वो 100 पीस बनाएगा तो हम 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये दे देंगे, 200 पीस बनाएगा तो 200 गुणा 2 के हिसाब से 400 रुपये दे देंगे। तो टाइम का यहाँ पे हमें नहीं देखना है, वो जितने यूनिट्स बनाएगा, जितनी इकाइयाँ बनाएगा उस हिसाब से उसे पेमेंट हम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट करा जाता है। अब क्वांटिटी जो होती है वो प्रति यूनिट हो सकती है, प्रति टन, प्रति पीस हो सकता है, प्रति मीटर हो सकता है, प्रति कुंटल हो सकता है, प्रति लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है और क्या कंपनी है, उस हिसाब से प्रति इकाई के हिसाब से हम उसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा ग्रॉस वेजेस का, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी जितनी यूनिट्स उसने बनाए, जितनी इकाइयाँ बनाई, और प्रति इकाई से उसे गुणा कर दिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाई वेज रेट पर यूनिट। जितनी इकाई बनाई और जितनी इकाई का रेट है उससे गुणा करके उसके वेजेस निकाल कर दे दिए जाएंगे। लेकिन देखिए पीस रेट में तीन वैरायटी हम यहाँ पर देखते हैं, तीन तरीके की क्लासिफिकेशन है। पहला है स्ट्रेट पीस रेट, यानी कि हम मेकिंग पेमेंट एट फिक्स्ड रेट पर यूनिट फॉर द यूनिट्स मैनुफैक्चर्ड। स्ट्रेट पीस है कि ₹2 प्रति यूनिट, जो जितनी यूनिट बनाएगा ₹2 से गुणा करके उसकी यूनिट का पैसा हम दे देंगे। यानी कि 100 यूनिट बनाई, ₹2 के हिसाब से ₹200 उसको दे दिए जाएंगे। तो ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन दूसरा होता है पीस रेट विद गारंटीड डे रेट्स। यहाँ पर क्या होगा, पीस रेट तो देंगे लेकिन साथ में एक दिन के गारंटी के हिसाब से कुछ पेमेंट भी उसको हम करेंगे कि इससे कम बेचारे को ना मिले। यानी कि द मिनिमम वेजेस इक्वल टू द टाइम वेजेस आर गारंटीड। इफ द पीस रेट रेम्यूनरेशन लेस देन द टाइम वेजेस फॉर द डे, द वर्कर गेट्स द टाइम वेजेस। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द पीस रेट रेम्यूनरेशन इज मोर देन द टाइम वेज, द वर्कर गेट्स पीस रेट वेजेस। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल बात है कि अगर उसे हम ये समझते हैं कि एक मिनिमम फिक्स कर लिया कि ₹100 तो प्रतिदिन हमें उसे देना ही देना है, ये हमने फिक्स कर रखा है, कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि ₹100 देने हैं। अब प्रति इकाई उसे ₹2 के हिसाब से बनाना है। अब उसने केवल 40 यूनिट ही बनाए, तो 40 यूनिट बनाने के लिए ₹2 के हिसाब से ₹80 बैठते हैं। लेकिन हम उसे मिनिमम ₹100 तो देंगे ही देंगे, जो मिनिमम फिक्स कर दिया हमने कि एक दिन के ₹100 तो देने ही हैं, तो वो ₹100 हम उसे दे देंगे, चाहे वो कितनी भी यूनिट बनाए, कम कितनी भी बनाए। लेकिन अगर वो ज़्यादा बना देता है, 100 से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए उसने 70 यूनिट बना ली, तो 70 यूनिट बनाई ₹2 के हिसाब से देना है, तो ₹140 हो गए। तो ₹140 तो मिनिमम तो हमने 100 फिक्स कर रखे थे, तो उसके 140 हो रहे हैं, तो उसको हम 140 दे देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम तो 100 देंगे ही देंगे, लेकिन पीस रेट के हिसाब से उसके ज़्यादा बैठ रहे हैं तो फिर हम उसे ज़्यादा दे देंगे। लेकिन अगर कम बैठ रहे हैं पीस के हिसाब से, तो हम उसके प्रतिदिन के हिसाब से जो मिनिमम टाइम के हिसाब से रेट है वो उसको दे दिया जाएगा। तीसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट। ये इफ़िशेंट वर्कर्स को दिया जाता है हायर रेट पर। अब कहने का देखिए बिल्कुल सिंपल बात है कि डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब कि अगर कोई हमने तय कर लिया कि 100 यूनिट डेली बननी चाहिए और ₹2 के हिसाब से हम उसे पेमेंट करेंगे, तो दिन के कितने हो गए, 100 गुणा 2, ₹200 का मजदूरी उसकी हो गई लेबर की। अब वो 100 से कम बनाता है, तो 100 से कम बनाता है, 80 यूनिट बनाए मान लीजिए, तो कम काम करा उसने, कंपनी को नुकसान हुआ, तो कंपनी कहेगी भाई ₹2 के हिसाब से अब हम तुम्हें नहीं देंगे, अब हम तुम्हें ₹1.70 के हिसाब से देंगे। तो ₹1.70 गुणा 80 यूनिट बनाए, तो जो भी गुणा करके आ जाएगा वो उतना पेमेंट कर दिया जाएगा। भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम तुम्हें रेट भी कम कर देंगे। लेकिन किसी ने 100 यूनिट की जगह 150 बना दी, 140 बना दी, तो भाई उसने ज़्यादा अच्छा काम करा है, कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसे ₹2 की जगह ₹2.40 दे देंगे के हिसाब से पूरा रेट दे देंगे। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट है कि डिफरेंट पीस रेट के हिसाब से हमने तय कर लिया। तो यही लिख रहा है कि इफिशिएंट वर्कर्स आर पेड वेजेस एट अ हायर रेट व्हाइल इनइफिशिएंट वर्कर्स गेट अ लोअर रेट। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया हमने, अगर बिलो स्टैंडर्ड काम करोगे तो रेट कम हो जाएगा, अबव स्टैंडर्ड काम करोगे, ज़्यादा अच्छा काम करोगे तो आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट होता है। ये मेथड देखिए, इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं। ये मेथड कहाँ लगता है, वेयर प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं प्रोडक्शन को, तो वहाँ पर हम ये पीस रेट दे सकते हैं। वेयर क्वालिटी एंड प्रिसीजन नॉट बीइंग प्राइमरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्वालिटी का ध्यान नहीं रखना है, क्वालिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी बन रही है, तो वहाँ पर ये मेथड सही रहेगा। वेयर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पर हम सही से सुपरविजन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम एम्प्लॉय को कैसे चेक करें, तो उनसे कहा जाएगा कि आप पीस रेट के हिसाब से काम करिए, टारगेट के हिसाब से ये टारगेट पूरा कर लीजिए, आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। तो वो पीस के हिसाब से काम करेंगे, जहाँ पर हम सही से सुपरविजन उन वर्कर्स का नहीं कर सकते, तो उन्हें चेक तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए जितना उत्पादन करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीस वेज रेट सिस्टम। थर्ड होता है इन दोनों का मिक्स, पीस रेट और टाइम रेट दोनों का मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं इंसेंटिव वेज सिस्टम। वो दोनों इंसेंटिव्स के अपने फ़ायदे नुकसान थे, मेरिट के, वेजेस के, उसके पीस रेट के और टाइम के, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है incentive plans attempt to combine the both systems. ये दोनों को combined करके चलेंगे, not only with a view to overcome the limitations of each of them, but to combine their advantages so as to stimulate production by encouraging efficiency, enable workers to earn more, and at the same time reduce wage and production costs per unit. कहने का मतलब यह है कि दोनों प्लान जो हमने अभी देखे, डिस्कस करे, टाइम रेट और पीस रेट, उन दोनों का मिक्सअप कर दिया इन्होंने. उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करी और जो दोनों के फ़ायदे हैं उनको भी इन्होंने यहाँ पर लिया है. और कोशिश ये है कि इंसेंटिव वेज में हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वर्कर्स को, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मेहनत करने की इच्छा बढ़ेगी, मोटिवेशन उनको मिलेगा और इससे वर्कर्स ज़्यादा कमा पाएंगे. और ज़्यादा कमाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, मशीन्स हैं, मटेरियल, उनका पूरा ध्यान रखेंगे. तो उससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान नहीं होगा और कंपनी को प्रति इकाई खर्चा कम पड़ेगा. जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी जब वेस्टेज नहीं होगी, सब अच्छा काम करेंगे, सब दिल से काम करेंगे, जिसे हम कहते हैं दिल से काम वो करेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी कंपनी में, और सब अपना समझ के काम करेंगे तो वो इंसेंटिव प्लान उन अच्छे की वजह से वो अच्छा काम कर रहे हैं तो कंपनी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी. Incentive wage plans enable both the employees and employers to share the benefit of increased labor productivity. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा है, उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, और एम्प्लॉयर को तो फ़ायदा है ही कि उनका जल्दी काम होगा और वो ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे. इन केस ऑफ दिस प्लान्स अ स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब, and if the job is completed in less than the standard time, workers get a proportionate benefit of the time saved in the form of wages besides the usual time wages. कहने का मतलब यह है कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो गया कि भाई ये काम इतने घंटों में पूरा करना है या इतने दिन में पूरा करना है, और वो मान लीजिए कोई काम 5 दिन में करना है, एम्प्लॉई ने 4 दिन में कर लिया या 3 दिन में कर लिया, तो फिर 2 दिन बच गए, कंपनी को फ़ायदा हो गया, 2 दिन में वो और एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे. तो जो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है वो एम्प्लॉयर को भी बचेगा और एम्प्लॉयज़, लेबर जो है, उनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाएगा, उनको भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दिया जाएगा. तो देखिए मेन फीचर्स क्या हैं इंसेंटिव प्लान्स के. यहाँ पर देखिए मिनिमम वेजेस आर गारंटी टू ऑल वर्कर्स. जो मिनिमम वेजेस हैं वो तो देंगे ही देंगे, जो मिनिमम फिक्स है, लेकिन साथ में सेकेंड पॉइंट में दे रखा है बोनस भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा. जो एफिशिएंट काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जितना उन्होंने टाइम बचत करी है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड हो गया और वर्कर्स को उसके विद इन द टाइम काम ख़त्म करना है. अब स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड आफ्टर मेकिंग टाइम स्टडीज़ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. तो स्टैंडर्ड टाइम एक फिक्स कर लिया जाता है, सारे जॉब की परफॉर्मेंस को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, इस हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया जाता है कि आपको इतने घंटे में काम ये ख़त्म करना है. अब फोर्थ पॉइंट में देखें आप, द इंसेंटिव वेज प्लान्स इनेबल बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स टू शेयर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी. जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, समय बच रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो फ़ायदा एम्प्लॉय को होगा, इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे और एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होगा कि भाई वेस्टेज कम हो रही है और अच्छा ज़्यादा काम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे. तो जो भी बेनिफिट हो रहा है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आपस में शेयर करेंगे. अब देखिए इंसेंटिव वेज प्लान्स ये हमने देख रखे हैं, 7 इंसेंटिव प्लान्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे. हेल्सी प्रीमियम प्लान है, रोवन प्रीमियम प्लान है, टेलर प्लान है, मैरिक प्लान है, गैंट बोनस प्लान है, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान है और बेडॉक्स प्लान है. इन प्लान्स को हम एक एक करके देखेंगे. पहला है हमारा हेल्सी प्रीमियम प्लान. ये F. A. हेल्सी जो अमेरिकन इंजीनियर थे उन्होंने ये प्लान डेवलप करा था 1891 में. इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड वर्क हम फिक्स्ड कर लेते हैं पहले से ही. अगर वर्कर जो टारगेट है उसको पूरा नहीं करता है तो उसको जो एक्चुअल टाइम के हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाएगा. लेकिन जो वर्कर्स ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे, यानी कि टाइम से पहले ख़त्म कर लेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस या बोनस कह लीजिए या प्रीमियम कह लीजिए, जितना भी टाइम बचाया है उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जाएगा. तो ये कितना परसेंटेज हम उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, कितना बोनस परसेंटेज देंगे, तो ये परसेंटेज अलग अलग हो सकता है. 30, 40, 50, 60, 70% हो सकता है। ये कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा, डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में नहीं पता कि कितने प्रतिशत हमें एक्स्ट्रा बोनस या प्रीमियम उनको देना है या एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है, तो अगर कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो हम 50% बोनस उनको देते हैं। तो सिंपल बात है, देखिए हेल्थी प्रीमियम प्लान में अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में काम ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो जो भी टाइम के हिसाब से वेज है आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम से पहले काम ख़त्म कर लेते हैं तो आपको टाइम का तो पेमेंट पूरा मिलेगा, और जितना आपने टाइम बचा लिया उसका उस टाइम का 50% आपको पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। देखिए इनका फॉर्मूला है, टोटल वेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकिंग, जो एक्चुअल टाइम लिया उन्होंने टाइम टेकिंग इनटू रेट पर आवर, वो तो हम नॉर्मल देंगे ही देंगे इन्हें, लेकिन साथ में बोनस भी देंगे। वो किसका देंगे, जो टाइम सेव्ड करा और जो प्रति घंटे जो रेट था उससे गुणा करेंगे और परसेंटेज से गुणा करेंगे। अगर 50% है तो 50% इसका निकाल लिया जाएगा, वो बोनस इनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि जितना टाइम टेकन था उतना तो मिल ही गया, प्लस ये एक्स्ट्रा बोनस उनको मिल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया और टाइम बचाया कंपनी का और जल्दी प्रोडक्शन करके दे रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाएगा। दूसरा हमारा प्लान होता है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान जो है वो मिस्टर जेम्स रोवन ने इंट्रोड्यूस करा था ग्लास्को में 1898 में, और इन्होंने 1901 में इसको एग्जीक्यूट करा गया था, मतलब ये ऑपरेशनल हो गया था ये कंपनियों में। यहाँ पे क्या होता है, द वर्कर्स गेट वेजेस एट एन आवरली रेट फॉर द एक्चुअल टाइम स्पेंट ऑन द जॉब अंडर दिस प्लान। जो एक्चुअल टाइम के हिसाब से तो पेमेंट मिलेगा ही, अब जो गारंटेड मिनिमम वेज है वो तो मिल ही रहा है, वो एक्स्ट्रा बोनस भी इनको मिलेगा इफ़ द टास्क इज फिनिश्ड बिफोर द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम से पहले ख़त्म कर लेते हैं, जैसे हेल्थी प्लान में इनको मिलता था एक्स्ट्रा बोनस, यहाँ पर भी उन्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। लेकिन इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे क्या है कि अंडर दिस प्लान बोनस इज दैट पोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि जो फॉर्मूले में आएगा टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम करा जाएगा और फिर 50% या जैसा भी केस होगा उसके हिसाब से इनको बोनस दे दिया जाएगा। देखिए फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे। फॉर्मूले में देखें, पहले तो हम वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, जो भी टाइम लगाया उन्होंने काम करने में और रेट प्रति घंटे की जो रेट है उससे गुणा कर देंगे। बोनस कैसे मिलेगा, देखिए जो टाइम सेव्ड है अपॉन स्टैंडर्ड टाइम करेंगे इन टू टाइम टेकन, और जो प्रति घंटे का रेट है रेट पर आवर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला रोविंस ने दिया है, तो इस हिसाब से हम बोनस कैलकुलेट करेंगे और एक मिनिमम ऊपर टाइम टेकन वाला रेट रहेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो उस लेबर की टोटल वेजेस निकल कर आ जाएंगी। तीसरा मेथड है हमारा, देखिए टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। जैसे मैंने पहले भी अभी बात करी थी शुरू में, ये बताया गया है ये F.W. टेलर ने बनाया है, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माने जाते हैं। जो मैनेजमेंट प्रबंधन के छात्र होते हैं वो इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जानते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे वो नहीं पढ़ना है, अभी हमें प्लान देखना है इनका। यहाँ पर क्या होता है, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड वर्क इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मोशन और फटीक। यानी कि एक स्टैंडर्ड वर्क फिक्स कर लिया हमने टाइम के हिसाब से, रुकावट के हिसाब से, मोशन सबके हिसाब से। जनरली देयर आर ओनली 2 पीस रेट, नेमली हाई रेट एंड लो रेट ऑफ ईच जॉब और टास्क। 2 रेट फिक्स कर लेंगे। फॉर ईच जॉब स्टैंडर्ड आउटपुट और टास्क टाइम इज स्टिपुलेटेड। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि इतना आउटपुट उन्हें करना है। देर इज़ नो सिस्टम ऑफ पेइंग एनी गारंटीड वेज टू अ वर्कर। यहाँ पे कोई गारंटी वेज हम नहीं देंगे, जितना आउटपुट करेंगे जितना पीस बनाएंगे उस हिसाब से उनको पेमेंट करा जाएगा। इफ़ द आउटपुट ऑफ अ वर्कर ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट ही विल प्रोवाइडेड वेजेज ऑन लेसर रेट। अगर वो कम काम करता है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जितना उसे बनाना चाहिए थे यूनिट्स उतने नहीं बनाए तो रेट उसके लिए कम हो जाएगा। तो देखिए अगर टेलर यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने रिकमेंड करा है कि 80% ऑफ नॉर्मल रेट इफ़ वर्क डन वाज लेस देन स्टैंडर्ड। कि मान लो किसी को 100 यूनिट बनाने थे और उसने 100 से कम बनाई और ₹1 प्रति यूनिट हमें देना है, तो ₹1 के हिसाब से उसे 100 यूनिट के ₹100 मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो 100 यूनिट नहीं बनाता है, कम बनाता है, तो जितने भी वो बनाएगा उसे हम ₹1 के हिसाब से नहीं देंगे फिर, क्योंकि उसने कम काम करा है तो हम 80 पैसे से ही उसका भुगतान करेंगे। 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जितनी भी यूनिट बनाएगा उससे हम गुणा कर देंगे। और अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है, ज़्यादा यूनिट बना लेता है उतनी समय में, तो हम उसे 10% और बढ़ा देंगे। हियर सजेस्ट टू गिव वेज एट, ये 120% के हिसाब से हम देंगे। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है ये, तो हम वहाँ पे 120% के 20% बढ़ा कर देंगे। इफ़ द वर्क डन वाज हायर दैन स्टैंडर्ड, यहाँ पे 10% की जगह हम 120% माना जाएगा, यानी कि ₹1 की जगह हम उसे ₹1.20 के हिसाब से उसका भुगतान करेंगे। ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 10% की जगह 120% माना जाएगा। तीसरा प्लान है हमारा, नेक्स्ट प्लान है मैरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान। ये भी टेलर के प्लान की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे 2 रेट की जगह पे एक कम और एक ज़्यादा वाला रेट नहीं है, यहाँ पे 3 रेट कंपेयर करे गए हैं। 3 में देखिए क्या कहा गया है कि अगर आप जो एफिशिएंसी है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 83% तक है तो हम एक नॉर्मल पीस रेट आपको देंगे। लेकिन अगर आप 83% से 100% तक स्टैंडर्ड पूरा कर लेते हैं तो हम 110% के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि ₹1 की का जो रेट है वो ₹1.10 माना जाएगा। और लेकिन जो 100% से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, 100% से ज़्यादा, जैसे 100 यूनिट बनानी है, उन्होंने 120, 140, 150 बना लिए, तो जो रेट हो जाएगा, अगर ₹1 का प्रति यूनिट रेट है तो ₹1 की जगह हम ₹1.20 के हिसाब से उनका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर भी हम गारंटी का मिनिमम वेज कुछ नहीं देंगे, जितना पीस बनाएंगे उस हिसाब से उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैंट बोनस प्लान। ये भी टेलर्स का प्लान का थोड़ा सा चेंज करा है इन्होंने। यहाँ पर है कि हम गारंटीड तो टाइम रेट के हिसाब से देंगे ही देंगे, प्लस इनको हम बोनस भी देंगे। देखिए कैसे, देखिए आउटपुट दे रखा है, देखिए पेमेंट दे रखा, तो आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड, अगर हम बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं तो टाइम रेट के हिसाब से जो गारंटीड है कि एक दिन के इतने रुपए बैठते हैं वो दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे तो टाइम रेट तो देंगे ही, प्लस उसका 20% हम बोनस भी देंगे। और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं तो हम रेट बढ़ा देंगे, हाई पीस रेट कर देंगे पूरे आउटपुट में, यानी कि ₹1 देते हैं तो ₹1 से आप ज़्यादा का रेट देंगे उनको। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा वो काम कर सकें। नेक्स्ट हमारा इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। ये भी वही उसी तरह का प्लान है, ये इमर्शंस का एम्पेरिकल प्लान भी इसको हम कहते हैं। यहाँ पे भी गारंटी टाइम वेज देते हैं और आर्बिट्रेरी कुछ बोनस हम डिसाइड कर लेते हैं कि हर लेवल पर, हर एफिशिएंसी लेवल बना लेंगे, उसके हिसाब से हम उन्हें एक्स्ट्रा बोनस देंगे। द इंक्रीज बोनस रेट इज़ ग्रेजुअल सो डैट एट ईच स्टेज द वर्कर ट्राइज टू वर्क हार्डर फॉर इम्प्रूविंग हिज टोटल अर्निंग्स, यानी कि जितना ज़्यादा वो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी उस आदमी की, उस हिसाब से उसका बोनस भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैसे एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फार्मूला दे रखा है, अगर हमें प्रोडक्शन दे रखा है कि आउटपुट के हिसाब से करना है तो एफिशिएंसी परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन उसने कितना करा अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड है 100 और एक्चुअल उसने 100 बनाए कि कम बनाए कि ज़्यादा बनाए, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी कि इतने परसेंट एफिशिएंसी है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से तो 100% से कम एफिशिएंसी आएगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन का हिसाब नहीं दे रखा है तो हम टाइम के हिसाब से देखेंगे कि टाइम अलाउड कितना है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है, डिवाइड करेंगे टाइम टेकन, कि टाइम टेकन उसने कितना लिया, और इनटू 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगी टाइम के हिसाब से। तो ये एफिशिएंसी की परसेंटेज हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप देखें हम शेड्यूल बनाएंगे बोनस का कि कैसे कैसे देना है। अगर एफिशिएंसी 66.67% से कम रहती है तो कोई बोनस नहीं देंगे, जो टाइम के हिसाब से पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एफिशिएंसी 66.67 से ज़्यादा होकर 100% तक है तो हम बोनस देंगे, लेकिन कितना देंगे कि उसको 100% तक लाके हम 20% तक बोनस दे सकते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप हर 10% पे एफिशिएंसी बढ़ी तो उसे कुछ बोनस दे दिया, फिर अगले 10% बोनस एफिशिएंसी बढ़ी तो उस पर कुछ और हमने बोनस दे दिया। तो इस तरह से 20% तक एक्स्ट्रा बोनस हम उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई 100% एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करता है तो 20% तो हम दे ही रहे थे ऊपर वाले में 100% तक, तो 20% बोनस तो रहेगा ही, प्लस 1% बोनस बढ़ता जाएगा 1% एफिशिएंसी पे, यानी कि 10% एफिशिएंसी ज़्यादा काम करा तो 10% बोनस मिल जाएगा, 20% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी पे काम करा तो 20% बोनस बढ़ जाएगा, तो 1% बोनस प्रति एफिशिएंसी पर बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से हम ये बोनस कैलकुलेट करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये। लास्ट है हमारा बेडॉक्स पॉइंट प्रीमियम सिस्टम। ये मिस्टर चार्ल्स ई बेडॉक्स ने ये प्लान बनाया था, और ये वो कहते हैं कि इंसेंटिव प्लान्स तो है But as Bedaux himself has stated, the main objective of this system is to measure human effort through time study. यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट देख रहे हैं टाइम के हिसाब से. देयरफॉर दिस सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ वर्क मेजरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग वेज इंसेंटिव टू द वर्कर्स. ये Bedaux ने पहले 1911 में ये इसको अप्लाई करा था, इस प्लान को. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है. अंडर दिस स्कीम द स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड फॉर अ जॉब इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स यूनिट्स टर्म्ड बी यूनिट्स. हमने बी यूनिट्स मान लिया कि स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया. ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड द Bedaux पॉइंट और बी. एक मिनट को हमने बी नाम दे दिया. वन बी यूनिट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर कैन डू अंडर ऑर्डनरी कंडीशंस इन वन मिनट. यानी कि बी यूनिट डिसाइड कर लिया कि एक ही मिनट में वो कितने यूनिट बनाएगा, तो बी यूनिट हमने नाम दे दिया. ईच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सो मैनी बीज. जितने भी बीज यानी कि प्रोडक्शन वो बनाएगा तो पेमेंट उसको उस जितना भी बी वर्क उसने करा उसके हिसाब से उसे पेमेंट कर दिया जाएगा. द फिक्सेशन ऑफ बी यूनिट रिक्वायर्स एन एक्यूरेट टाइम स्टडी एंड वर्क स्टडी. भाई टाइम स्टडी भी कैलकुलेट करनी है, टाइम कितना लगता है, वर्क कितना हो पाएगा, उस हिसाब से पूरी स्टडी करने के बाद ये बी यूनिट्स हमने डिसाइड करे हैं. फिर क्या होता है देखिए. एन एवरेज वर्कर शुड अर्न 60 बीज पर आवर. एक वर्कर है तो 60 बीज पर आवर यानी कि एक बी पर फॉर ईच मिनट, यानी कि 60 बी बनाएगा, यानी कि एक मिनट में एक यूनिट बनाएगा, एक बी बनाएगा. तो फॉर वर्क अप टू 60 बी अगर उसने बना लिया यानी कि 60 यूनिट्स बना लिए तो वर्कर इज़ पेड एट हिज आवरली रेट. जो भी रेट है उसके हिसाब से उसे पेमेंट मिल जाएगा. लेकिन अगर वो 60 बी से ज़्यादा बना लेता है, 60 यूनिट से ज़्यादा बना लिए, एक यूनिट प्रति मिनट से ज़्यादा बना लिए, तो उसे 75% तक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा. तो 75% तो बोनस दे रहे हैं, 25% जो बोनस बचा वो हम सुपरवाइजर्स को दे देते हैं. तो इस तरह से. लेकिन अब कुछ कंपनियां पूरा 100% भी बोनस दे देती हैं 75 की जगह. तो डिपेंड करता है हर कंपनी पर कि किस तरह से वो पेमेंट कर रही हैं. अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि आपको ये सारे प्लान्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिससे कि थ्योरी वाला कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट. क्वेश्चन देखें. व्हाट अर्निंग्स विल अ वर्कमैन रिसीव अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव स्कीम्स इफ ही एग्जीक्यूट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 120 आवर्स एज अगेंस्ट 150 आवर्स. यानी कि हमें टाइम दिया गया है 150 आवर्स का और हमने काम कर लिया 120 आवर्स में. उसके आवरली रेट दिए हुए हैं, डीए दिया हुआ है. अब हमें हेल्सी प्लान, रोवन प्लान और एमर्सन प्लान में हमें ये क्वेश्चन करना है. ठीक है, पहले हम हेल्सी प्लान देखते हैं. फॉर्मूले आपको याद होंगे, थ्योरी में आपने देख लिया शुरू में. देखिए पहले हम नॉर्मल वेजेज लेंगे कि नॉर्मल उसे कितना काम करा. 25 पैसे मिलेंगे उसे प्रति घंटा. 120 घंटे उसने काम करा. तो पहले हम लिखेंगे वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन में उसने कितने लिए, 25 पैसे का रेट है और 120 घंटे उसने काम करा तो 30 रुपये ये हो गए उसके. ठीक है, अब बोनस और प्रीमियम उसको मिलेगा. पहले उसे डीए भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डीए दे रहे हैं उसे. ही गेट्स अ डी ऑफ ₹1 पर डे ऑफ 8 आवर्स. यानी कि और हमें काम करना है 8 घंटे का एक दिन माना गया है, तो 8 दिन माना गया एक दिन का. तो अब हमें उस हिसाब से देखना है कि कितने घंटे बैठेंगे, ये हमें यहाँ पर समझना है. ठीक है, तो उसने 120 घंटे काम करा तो एक दिन के में 8 घंटे, तो 8 घंटे में एक दिन, तो 120 में कितने घंटे बैठेंगे, तो 15, एक तरह से 15 दिन बैठ जाएंगे आपके. एक दिन के 8 तो 120 के कितने बैठेंगे, तो आपके 15 आवर्स बैठे, मतलब 15 दिन बैठेंगे, 15 डेज. और रेट है आपका ₹1, तो ₹1 के हिसाब से 15 रुपये ये हो गए उसके. इसके बाद ये 15 दिन हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए वर्किंग डेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वर्किंग डेज अलग से निकाल लेते हैं। एक्चुअल आवर्स देखिए कितने हैं, डिवाइडेड बाय डेली वर्किंग आवर्स। तो ये हो गया 120 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 15 डेज। 15 डेज और एक दिन का ₹1 मिलता है तो ₹15 इनके डीए के मिल गए, सिंपल। अब बोनस मिलेगा जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। बोनस का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या है, इसने कितना टाइम बचाया ये हमें देखना है। कितना टाइम इन्होंने बचाया, इन्होंने बचाया 30 घंटे। 30 घंटे टाइम सेव्ड हो गया तो वो फॉर्मूला हमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो 30 घंटे ये बचाए प्लस इन रेट है हमारा 25 पैसे के हिसाब से, और हमें हेल्से प्रान में 50% हमें बोनस देना है। तो यानी कि टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू 50%। तो टाइम सेव्ड है देखिए 120 घंटे में काम करना, 50 घंटे में काम करना था, 120 में कर लो, 30 घंटे बच गए। देखें आप 30 घंटे बच गए, 150 घंटे में काम करना था 120 घंटे में उसने कर लिया, 30 घंटे 30 आवर्स सेव्ड हो गए। रेट है 25 पैसे 0.25 इंटू 50/100, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो इससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 3.75। तो टोटल मिला के इनको रुपए कितने मिलेंगे, 48 रुपीज़ 75 पैसा। ये सब रुपीस हो गए हमारे, ठीक है। तो ये टोटल वेजेस इनको मिल जाएंगे। ये हमारा किस मेथड से निकाला हमने, हेल्से प्लान से। अब हम दूसरा, ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट देखते हैं, रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन में भी फिर वैसे ही करेंगे, वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन फिर वही रहेगा 120 आवर्स इंटू रेट है 25 पैसे, तो ₹30 तो वही मिलेंगे इनको, प्लस डीए मिलेगा फॉर 15 डेज, यानी कि 15 डेज का कितना हो गया, 15 इंटू ₹1 ₹15, और प्लस बोनस मिलेगा। बोनस का इनका अपना फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये आपको मैंने शुरू में दिखा दिया है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए जब क्वेश्चन कर रहे हो तो, इंटू टाइम सेव्ड ये हो गया, और इंटू रेट। तो टाइम टेकिन इन्होंने 120 घंटे लिए, स्टैंडर्ड टाइम 150 है, टाइम सेव्ड 30 इंटू रेट 25 पैसे, तो ₹6 ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो टोटल हो गया इनका 51 रुपीज़। कितना आ गया, 51 रुपीज़ निकल कर आ गया टोटल वेजेस, 51 रुपीज़। तो देखिए कितना आसान है। तीसरा पार्ट है इसमें, तीसरा पार्ट हमें अब निकालना है इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। देखें इमर्शन, सी पॉइंट, इमर्शन वाला प्लान लगाएंगे। इसमें भी फिर वैसे ही करेंगे, वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन यानी 120 इंटू 25 पैसे, 30 रुपीज़ तो आ ही गए। DA फॉर 15 डेज अभी हमने निकाला है पिछले पार्ट्स में, 15 रुपये आएगा। और हमारा बोनस रहेगा। बोनस में हमें देखिए क्या करना है, बोनस में हमें इफिशिएंसी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। इफिशिएंसी परसेंट निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। तो ये हो गया, टाइम अलाउड था 150, 120 टाइम टेकन इनटू 100, तो ये आएगा 125%। जो रेट हमें देना है, रेट है रेट ऑफ बोनस, जो होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो होता है अप टू 100% तक तो 20%, और रेट ऑफ बोनस फ्रॉम 101% टू 125% तक जाना है, तो 25% एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी कि 45% बोनस की परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो अभी हमारे रुपए टोटली कितने बैठ रहे हैं, टोटल 45 रुपीज़ तो अभी बैठ रहे हैं, तो 45% और बोनस मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ बोनस कितना बैठेगा हमारा, 45% निकालेंगे। लेकिन किसका निकालेंगे, जो ये वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू, डी एस ए को मतलब नहीं है, 30 रुपये, 30 रुपये का 45% निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 13 रुपीज़ 50 पैसा। अब 45 ये सब जोड़ लीजिए, तो ये आ गया 58 रुपीज़ 50 पैसा। ये टोटल वेजेस निकल कर आ जाएंगे आपके आंसर। देख लें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तीनों मेथड देखिए हमने समझे हैं, बाकी और क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ वर्कर टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा। अ वर्कर टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, 9 घंटे लगते हैं, एंड 6 आवर्स ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के हिसाब से 6 घंटे में। डे रेट 1.5 रुपये पर आवर है उसका। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है 18 रुपये, ओवर हेड्स हैं 150 रुपये ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है टोटल। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होता है, हमें मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस सब मिलके फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। जो कॉस्ट शीट वाला आपने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बता रखा है मैंने आपको कि उसमें हम पहले हम मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सब लिखते हैं, प्लस फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं, तब वो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। तो हमसे यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट पूछी है उन्होंने, जिसमें हमें ये वेजेस भी निकालने हैं और सारी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बना लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट की पूरी, उसमें सभी एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे हम। फैक्ट्री कॉस्ट अंडर 3 वेज प्लान्स, ये 3 प्लान है, 1, 2, 3, तो तीनों प्लान्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक स्टेटमेंट के द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए पहले, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, नहीं तो फिर क्वेश्चन ऊपर चला जाता है जब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पर्टिकुलर्स तो यहाँ लिख ही लेते हैं पहले, हमारा पीस के हिसाब से, फिर एक हेल्सी प्लान है और एक रोवन प्लान है, तीनों के हिसाब से हम करते हैं। मटेरियल देख लेते हैं, मटेरियल कितना लगता है, 18 रुपये बता रखा है, तो 18 रुपये ही रहेगा, 18 और 18 रुपीज़। केवल तीनों में जो डिफरेंस आएगा वो वेजेस में ही आएगा, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वेजेस सब हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर ओवरहेड्स आ जाएगा। ओवरहेड्स जो है वो 150% है वेजेस के, तो वेजेस आएगा उसका 150% निकाल लेंगे हम। तो पीस रेट के हिसाब से पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, वेजेस नीचे कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पहले पीस के हिसाब से कर लेते हैं। तो पीस के हिसाब से ये जो काम कर रहे हैं 9 घंटे टू कंप्लीट अ जॉब 9 घंटे लेते हैं और एक का 1.5 रुपये पर आवर के हिसाब से खर्चा है। तो पीस तो वैसा नहीं दे रखे, तो हम टाइम रेट के हिसाब से ही ले लेते हैं फिर। तो यानी कि 9 आवर्स काम करा और 1 रुपये 50 पैसे पर आर खर्चा है, तो ₹13.50 आ गया। तो वेजेस यहाँ पर हो गए इनके ₹13.50। फिर हेल्से से देख लेते हैं। हेल्से वाले क्या कहते हैं, पहले टाइम वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम देख लेते हैं। फॉर एक्चुअल टाइम के हिसाब से ये ले रहे हैं, जल्दी काम कर रहे हैं, 6 घंटे में काम कर रहे हैं, तो 6 × 1.5 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका ₹9 हो जाएगा। प्लस बोनस जोड़ लेते हैं। बोनस में इन्होंने कितने घंटे बचा लिए, 3 घंटे बचा लिए, और ₹1.5 के हिसाब से, और 50% का हमारा रेट रहता है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी ₹2.25। तो ₹11.25 हेल्से प्लान के हिसाब से हो गए, ये हम ऊपर लिख लेंगे। ऐसे अब रोवन के हिसाब से निकाल लेते हैं। रोवन के हिसाब से वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, तो वही रहेगा 6 × 1.5 रुपया, ₹9। प्लस बोनस, बोनस का फार्मूला हम कई बार लिख चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मूला रहेगा टाइम टेकन 6, टाइम सेव्ड 3, टोटल टाइम 9, इंटू रेट, रेट है ₹1.5, तो ₹3 ये निकल कर आ जाएगा। तो टोटल हो गया ₹12। तो इसके ₹15, इसके ₹12, तो हम ये ऊपर लिख लेते हैं। इसके ₹11.25, इसके हो गए ₹12। इसका 150% निकालिए, 150 × 10/100 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 20.25, इसका आ जाएगा 16.88 और इसका आ जाएगा ₹18। और इन टोटल आप कर लीजिए, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ये हो गया आपका ₹51.75, ये हो जाएगा आपका 46.13 और ये हो गया ₹48। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कि फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। कैलकुलेशन तो वेजेस की थी मेन, लेकिन उन्होंने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पूछा तो वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लें पहले, तब हम आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 वर्कर हैं, सोनू और मोनू, जो एक जैसा काम करते हैं। लेबर कॉस्ट ₹1.5 पर आवर है 32 घंटे के लिए। ओवरहेड आर रिकवर्ड, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस है वो 4.5 हैं पर लेबर आर। मटेरियल भी लगता है ₹120 के हिसाब से। वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वर्क कॉस्ट आती है यानी फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ने के बाद ₹270 और एक की आती है ₹291। अब हमसे हेल्थ प्लान यूज़ करते हैं। फाइंड आउट और टाइम टेकन, टाइम टेकन निकालना है। इसमें देखिए थोड़ा उल्टा क्वेश्चन हो गया, हमें टाइम टेकन निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम तो 32 आवर्स दिया हुआ है। रेट पर आवर भी दिया हुआ है हमें ₹1.50 दिया हुआ है, और फैक्ट्री का खर्चा भी दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी पर आवर है ₹4.50 ओवरहेड पर लेबर आवर। अब हम पहले सोनू का कहानी करते हैं, फिर हम मोनू की देखेंगे। अब हमें पूछा है कि कितने घंटे वो काम करते हैं, टाइम टेकन उनका कितना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट या सपोज लिख लेते हैं कि बात है। लेट टाइम टेकन बाई सोनू इज इक्वल टू XR मान लिया। जो उसको वेजेस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ये तो आपको पता है, एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस मिलेगा उसे। तो एक्चुअल टाइम टेकन में कितने मिलेंगे उसे ₹1.50 गुणा एक्स, क्योंकि एक्स घंटे काम करा, ₹1.5 के हिसाब से रेट हो गया एक, तो ये वैल्यू हो गई। प्लस उसे बोनस मिलेगा, बोनस का क्या रेट है, टाइम सेव्ड 32 में से उसने एक्स टाइम लिया तो 32 तो पूरे टोटल आवर्स हैं, एक्स घंटे उसने काम करा तो बच कितना गया 32 में से एक्स घटा देंगे और उसे हम ₹1.5 से गुणा कर देंगे। और रेट कितना है 50%, 50 अपॉन हेल्थ प्लान का 50%, ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू चाहिए, तो इसको खोल देंगे, इसको वैल्यू को, तो यह आ जाएगा आपका 1.5x प्लस इतना हिस्सा बैठेगा आपका 24 माइनस 0.75x। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड जो बताए गए हैं ₹4.5 पर लेबर आवर है, तो लेबर आवर एक्स लेते हैं तो एक्स हो गया, तो ये हो गया 4.5x। फैक्ट्री कॉस्ट हमें गिवन है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है, वो हमें दी है ₹270। मटेरियल भी हमें दिया हुआ है, मटेरियल की जो लागत है मटेरियल कॉस्ट वो ₹120 दिया हुआ है। यह आप समझने की बात है, जब मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ लेते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है, यानी मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और फैक्ट्री के खर्चे, उन सबको जोड़ लें तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। तो मटेरियल और फैक्ट्री के खर्चे हमें दे रखे हैं, वेजेस बचे तो 270 में से ये दोनों चीज़ें घटा दें, फैक्ट्री के खर्चे घटा दें और मटेरियल का खर्चा घटा दें तो फैक्ट्री कॉस्ट में से वेजेस बच जाएंगे हमारे। तो देखिए देयरफॉर वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 270 में से 120 घटा दो तो ₹150 बचेंगे। 270 तो फैक्ट्री कॉस्ट है, उसमें मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूड है ही, तो मटेरियल हमने हटा दिया, तो अब वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स बच गए। ठीक है, देखिए समझने की बात है, मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा और फैक्ट्री के ओवरहेड्स, इन सबको जोड़ लेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। फैक्ट्री कॉस्ट हमें 270 दी गई है, ये 120 दिया गया है, तो 270 में से 120 घटा दें तो ये दोनों बच जाएंगे। भाई 270 तो इसकी कॉस्ट आ रही है, 270 टोटल, 270 में से ये घटा दो तो ये दोनों बच जाएंगे। तो वही हमने करा है, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में 270 में से 120 घटा दिया तो ₹150 बच गए। तो वेजेस का हिस्सा बच गया ₹150, उसमें वेजेस आने हैं और फैक्ट्री का ओवरहेड आना 4.5x, तो इन सबको जोड़ना है। दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150, यानी वेजेस का हिस्सा फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा दोनों मिलाकर कितने बैठेंगे, ₹150। ठीक है, तो 1.5x प्लस 24 माइनस 0.75x ये एक साथ हैं, प्लस 4.5x इक्वल टू 150। ये 1.5x है और ये मिला के हो गए 6x और ये 0.75x माइनस हो जाएंगे तो हमारे बचेंगे 5.25x इक्वल टू 150 और ये 24 इधर माइनस हो जाएंगे, 24 इधर चले गए तो ये बचे हमारे 5.25x इक्वल टू 126। तो x इक्वल टू कितना बचा, 126 डिवाइड बाई 5.25, तो ये आ गया लगभग 24 आवर्स। तो x यानी x हमने क्या माना था, x माना था हमने, देखिए ऊपर, लेट टाइम टेकन बाई सोनू इक्वल टू x आवर्स, तो सोनू ने x आवर्स लिए यानी कि 24 आवर्स लिए। तो हैंस हम लिख देते हैं टाइम टेकन बाई सोनू इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से हम मोनू का कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। मोनो का भी देखो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, चीज़ें वही सब दी गई हैं। अब हम क्वेश्चन वही है, हम मोनो का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वैसे मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय मोनो इक्वल टू एक्स आर्स। तो इसको वेजेस कितने मिलेंगे, 1.5 घंटे के हिसाब से, 1.5 रुपए के हिसाब से एक्स घंटे काम करा प्लस बोनस यानी 32 माइनस एक्स, बिल्कुल सेम मेथड है, गुणा 1.50 रुपये इंटू 50%, ये एक साथ हो गया, दोनों की कॉस्ट आ जाएगी। ये आ गया आपका 1.5x प्लस 24 माइनस 0.75x, वही रहेगा सेम। फैक्ट्री ओवरहेड्स वही रहेंगे, 4.5 इंटू 1.5 यानी एक्स रुपीज़ के हिसाब से 4.5x हो गया। मटेरियल भी वही रहेगा, मटेरियल भी वही रहेगा, कितना 120 रुपये, क्वेश्चन में रुपीज़ गिवन है। तो देयरफॉर वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पे रुपीज़ 291 है, तो 291 माइनस 120 इक्वल टू रुपीज़ 171 आ गए। अब दिस इक्वल टू वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों बराबर ये हो जाएंगे। देयरफॉर 1.5x प्लस 24 माइनस 0.75x प्लस 4.5 फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मिला के 171 होने चाहिए। देखिए 1.5x 4.5 6x हो गए, 0.75 घट गया तो 5.25x बचा, इक्वल टू 171 माइनस 24, 5.25x इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो 147, x इक्वल टू 147 डिवाइड बाई 5.25, तो ये आ गया 28 आवर्स, यानी हैंस टाइम टेकन बाय मोनो इक्वल टू 28 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे। ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हमें वेजेस अर्न निकालने हैं वर्कर एक्स और वाई का, टेलर सिस्टम से हमें निकालना है, टेलर मेथड भी हमने सीखा था। इसमें बता रखा है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 10 यूनिट्स बनाने हैं आपको 1 घंटे में, नॉर्मल रेट है 1 रुपये पर घंटा, ये पर आर है और ये यूनिट्स है, तो हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने हैं और 1 घंटे का 1 रुपया मिलेगा, यानी कि 10 यूनिट बनाने में 1 रुपया मिलेगा, तो 1 यूनिट बनाने में 10 पैसे हो जाएंगे, सिंपल बात है। ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो कम बेकार काम करेंगे तो 90% मिलेगा रेट का, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो 125% मिलेगा। तो एक्स और वाई दोनों का देख लेते हैं, हो सकता है एक ने अच्छा काम करा हो, एक ने बुरा काम करा हो। तो पहले हम रेट निकाल लेते हैं, वेज रेट कितना बैठेगा, वेज रेट्स देखिए, नॉर्मल रेट निकाल लेते हैं हम। देखिए 10 यूनिट 1 घंटे में बनाने हैं और 1 घंटे का 1 रुपया, यानी 10 यूनिट के 1 रुपया, यानी कि 10 यूनिट्स का 1 रुपया मिलेगा आपको। तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा, 1/10 रुपीज़, यानी कि 0.10 रुपीज़, यानी कि ये पर यूनिट हो गया एक तरीके से, 10 पैसे पर यूनिट। बिलो स्टैंडर्ड काम करोगे तो 90% का रेट मिलेगा, तो हम ये तो नॉर्मल रेट है 10 पैसे, ठीक है। अगर बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं आप तो रेट रहेगा 90%, 90% ऑफ 10 पैसे बटे 100 करते हैं परसेंट के लिए, तो 9 पैसे आएगा पर यूनिट। और अगर आप अच्छा काम करेंगे, अब स्टैंडर्ड काम करेंगे तो हम देंगे 125 के रेट से, तो 125/100 इंटू 10 पैसे का रेट से रेट बढ़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0.125 पैसे पर यूनिट। तो एक रेट ये हो गया, एक रेट ये हो गया। अच्छा काम करोगे तो इससे गुणा करेंगे जितने भी पीस बनाओगे, और बुरा काम करोगे तो इससे बनाएंगे। अच्छे काम से इससे, बुरे काम से 0.09। अब हम आउटपुट देख लेते हैं कितना है। देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट 1 डे है फॉर 8 आवर्स के लिए। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम में 10 यूनिट पर आवर बनाएंगे, और देखिए इन 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे का एक दिन है, 8 घंटे का एक दिन, तो यानी कि 10 यूनिट आप 1 घंटे में बनाएंगे, तो 8 घंटे में 80 यूनिट बनाएंगे आप। तो यानी स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया 8 आवर्स में, और 10 यूनिट 1 घंटे में बनाएंगे 8 आवर्स में, और 10 यूनिट 1 घंटे में बनाएंगे, 10 यूनिट्स पर आवर हैं, तो यानी कि 80 यूनिट्स आपको बनानी है स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब देखिए हम एक्स की बात करते हैं, तो एक्स ने बनाई है केवल 75 यूनिट, तो इसने ब्लो काम करा। वाई ने 90 बनाई है, यानी 80 तो फिक्स है, 80 तो स्टैंडर्ड हो गया। 80 से कम बनाई तो कम रेट मिलेगा, 80 से ज़्यादा बनाई है तो वाई को ज़्यादा रेट मिलेगा। तो देख लेते हैं, तो यानी कि जो एफिशिएंसी ऑफ एक्स है, एक्स जो है वो 75 यूनिट्स हैं, तो ये तो बिलो स्टैंडर्ड माना गया। और एफिशिएंसी ऑफ वाई देखें तो उसने 90 यूनिट्स बनाई हैं, तो वो अबव स्टैंडर्ड माना गया। तो अर्निंग्स अगर हम देखें दोनों की, एक्स की कितना मिलेगा, 75 यूनिट्स बनाई उन्होंने, और रेट हो गया उनका 9 पैसे, तो ये रेट हो गया इनको 6.75 रुपीज़ इतने मिलेंगे। और अगर वाई की बात करें तो इन्होंने 90 यूनिट बनाए, इन्हें 1.125 का रेट मिलेगा। ये रुपीस हैं, ये रुपीस हैं इसके, तो आंसर रुपीस में हमारा आ जाएगा 11.25 रुपये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा टेलर मेथड है, तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहले कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर भी हमें बनाना है कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्यूनरेशन निकालना है, और 3 वर्कर्स हैं ABC, तीनों का निकालना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स बनाने हैं पर मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन है, पीस के हिसाब से DNS देते हैं, HRA भी देते हैं, अब बोनस भी देते हैं हम, ठीक है। तो हमें तीनों का कैलकुलेशन करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से इन्हें बोनस मिलेगा। पहले क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन कॉपी रहेगा तो आपको सॉल्यूशन करते वक्त आसानी रहेगी। फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है पर मंथ, वो करना है ना 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स बनाने हैं। हम ए की एज एफिशिएंसी देखें, जो ए एम्प्लॉय है, ए ने बनाए हैं 850 यूनिट, यानी 850 बनाए हैं और 1000 यूनिट बनाने हैं, तो प्रतिशत में अगर आप देखें तो ये 85% ही बना पाए हैं ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट का। बीज की इफिशिएंसी देखें तो उन्होंने बनाए हैं 720,000 यूनिट में 720 बनाए हैं, तो ये 72% ही बना पाए ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट आउटपुट। सीज की इफिशिएंसी देखें तो इन्होंने 960 बनाए हैं 1000 में से, तो परसेंटेज कर निकालता तो इनटू 100 कर देते हैं, 96% आ गया ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। अब बोनस देखिए इनको कितना मिलेगा। बोनस के बारे में देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 रुपीज़ फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80%। 80% से ज़्यादा बनाएंगे तो 5 रुपये प्रति परसेंटेज इनको मिलेगा। तो देखिए वाई बी को तो कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने 80% 5% एक्स्ट्रा है तो 5 रुपये के हिसाब से 25 रुपये इन्हें एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। इनके 80% से ज़्यादा कितने 16% ज़्यादा हैं, तो 1% के 5 रुपये तो 16 के 80 रुपये हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो देखिए ए को बोनस, हम बोनस की बात कर लेते हैं पहले जिससे क्लियर हो जाए। ए को कितना मिलेगा 5% इसके ज़्यादा हैं, 5% गुणा 5 रुपये तो 25 रुपये इनको मिलेंगे, 5% एक्स्ट्रा बना रहे हैं। बी का कम रह गया 80 से कम है तो नील, और सी को कितने ज़्यादा हैं देखिए 96 ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा कितने हैं 16 ज़्यादा है 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि 16 × 5 इन्हें 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के। अब हम अपने स्टेटमेंट में सब लिख लेते हैं क्योंकि बाकी डीए वगैरह भी देना है, एचआरए भी देना है, तो हम अपना स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग मंथली रेमोनरेशन, एक महीने का है रेमोनरेशन। ए बी और सी, और ये पर्टिकुलर होगा ए बी और सी। देखो पीस वेज के हिसाब से इन्हें मिलेंगे, तीनों को अलग अलग। एक ने 850 बनाए थे तो इनटू 20 पैसे का रेट है, देख सकते हैं आप ऊपर पीस वर्क रेट 20 पैसे पर यूनिट, तो इसको 850 इंटू 20 मिलेंगे यानी 170 रुपये इसको मिले। दूसरे को 720 इंटू 20 पैसे मिलेंगे तो ये हो जाएंगे इसके 144 रुपये, और तीसरे के हैं 960 इंटू 20 पैसे तो इसको मिलेंगे 192 रुपीज़, ठीक है। फिर इन्हें डियरनेस पे मिलेगा, वो 50 रुपये दिया हुआ है तो 50 रुपये सब में ऐसे ही रहेगा 50, 50, 50। फिर इन्हें एचआरए मिल रहा है 20 रुपये, वो भी दोनों को 20, सबको तीनों को 20, 20 मिलेगा। और जो बोनस की बात हुई थी वो हमने अभी ऊपर निकाला है, इसको 25 रुपये मिलेंगे, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको 80 रुपये मिलेंगे। फिर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल अर्निंग्स निकल कर आ जाएंगी। इसको 265 रुपये मिले, इसको 214 रुपये मिले, और इसको 342 रुपये मिले, तो ये तीनों हमारे रुपीज़ में अमाउंट आ गया। तो पर मंथ इनको इतने इतने रुपए मिलेंगे, देख सकते हैं आप। कोई समस्या हो तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बोनस अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, यहाँ पे तो हमने वैल्यू लिख ली क्योंकि बी ने 80% से कम काम करा तो उसको बोनस नहीं दिया गया। सिंपल। तो मैं समझता हूँ अब कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्यूशन करते वक्त, तो इसको आप पहले कॉपी कर लें तब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द अर्निंग्स निकालनी हमें फॉर अ वीक अंडर। देखिए 4 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक डिफरेंशियल, एक हेल्सी और एक रोवन। 4 मेथड से हमें ये क्वेश्चन करना है। सिंपल, सब कुछ हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम पहले स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से करेंगे, फिर डिफरेंशियल के हिसाब से, फिर हेल्सी और रोवन के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेट के हिसाब से देखें, यहाँ पर बनाते हैं ये वीकली आवर्स हैं 48 आवर्स एक वीक में काम होता है, वेज है 7.5 रुपये पर आवर, पीस रेट के हिसाब से 3 रुपये मिलेंगे, नॉर्मल टाइम लगेगा 20 मिनट लगते हैं एक पीस बनाने में, नॉर्मल आउटपुट 120 हैं, एक्चुअल आउटपुट जो करा है इन वर्कर ने 150 पीस बना दिए। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रेट के हिसाब से, तो स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 150 पीस बनाए इसने, 150 पीस इनटू रेट है 3 रुपये, तो यहाँ पे मिलेंगे इसे 450 रुपये। सिंपल बात है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। 150 पीस बनाए और 3 रुपये के हिसाब से 450 रुपये इनको मिल जाएंगे, गुणा कर लिया हमने। दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल के हिसाब से अगर अच्छा काम करोगे तो रेट ज़्यादा मिलेंगे। डिफरेंशियल पीस रेट बिलो नॉर्मल काम करोगे तो 80% मिलेगा, अबव नॉर्मल काम करोगे तो 120 रुपये मिलेंगे, 120% मिलेगा आपको। तो हमें चेक करना है कि इन्होंने कैसा काम करा है। तो नॉर्मल आउटपुट था 120, लेकिन इसने एक्चुअल बना दिए 150, यानी कि ज़्यादा बना दिए, तो अबव स्टैंडर्ड काम करा है इन्होंने। अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से 120 रुपये के हिसाब से हम इनको पैसे देंगे, यानी कि 3 रुपये की जगह पर हम 120% निकालेंगे 3 रुपये का, और वो उनको हम देंगे। यानी कि अबव स्टैंडर्ड ये काम कर रहे हैं, तो अबव स्टैंडर्ड काम करें तो रेट कितना हो जाएगा, 3 रुपये का 120% निकालेंगे, बटे 100 करते हैं परसेंट निकालने के लिए, तो 3 रुपये 60 पैसे आएगा पर यूनिट। तो वेजेस कितने मिलेंगे इसको, इसने 150 यूनिट बनाए हैं, इनटू 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इसको मिलेंगे पैसे, तो इसको मिलेंगे ₹540। तो यहाँ पर अब 540 रुपये, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया आंसर, और ये पहला वाला हिस्सा आ गया था हमारा, और ये सेकंड आ गया 540 रुपये, क्योंकि ये बनाने थे 120, बनाए इन्होंने 150, नॉर्मल से ज़्यादा बना लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान में हमें देखना है, क्योंकि उसमें आवर्स देखते हैं हम, पीस रेट नहीं होता है, तो आवर्स के हिसाब से हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं कि टाइम अलाउड कितना है। देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, टाइम अलाउड की कैलकुलेशन कितनी होगी। देखिए नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस, एक पीस बनाने में 20 मिनट लगते हैं, एक पीस बनाने में 20 मिनट लगते हैं, और इसने बनाए हैं 150 पीस, तो कितना टाइम मिलना चाहिए इसको, तो 150 पीस बनाने के लिए इनटू रेट है 20 मिनट, तो ये हो गया 3000 मिनट्स। अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3000 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट से डिवाइड कर दें इसे 60 से, तो ये आ जाएगा 50 आवर्स, यानी कि 50 टाइम अलाउड है, 50 घंटे, लेकिन इन्होंने काम कर लिया 48 घंटे में, तो 2 घंटे इन्होंने बचा लिए, क्योंकि नॉर्मल टाइम जो है वो 48 है, लेकिन इन्होंने जितने पीस बनाए उसके हिसाब से इन्हें 50 घंटे मिलने चाहिए, लेकिन काम कर लिया इन्होंने 48 घंटे में। तो अब हेल्से प्लान देख लेते हैं हम, हेल्से प्रीमियम प्लान। तो पहले तो वेजेस नॉर्मल लेंगे, वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन कितना लिया, एक्चुअल टाइम के हिसाब से तो उन्होंने 48 घंटे काम करा, और एक घंटे का रेट है 7.5 रुपये, देखें आप ये लिख रहा है 7.5 रुपये आवरली रेट, 7.5 रुपये से गुणा कर लेंगे, प्लस इन्हें बोनस मिल जाएगा, वो मिलेगा टाइम सेव्ड, यानी 50 माइनस 48, 2 घंटे बचाए, और रेट कितना है 7.5 रुपये, और इनटू उसका 50%। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेशन 2 गुणा 1.5 7.5 इंटू 50 बटे 100 करेंगे, तो टोटल आंसर आपका 367.50 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 367.50 निकल कर आ जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा रोवन प्रीमियम प्लान, ये गुणा तो कर ही लेंगे आप, गुणा में तो कोई परेशानी नहीं है। रोवन के हिसाब से भी वैसे ही करेंगे। वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, तो वही रहेगा 48 इंटू 7.5 जो वैल्यू आई यहाँ लिख लीजिए, प्लस बोनस। बोनस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम टेकन 48, टाइम सेव्ड 2, टोटल टाइम 50 और रेट है 7.5। इसकी वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, तो टोटल फिर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़ 374.40। ये हमारा आ जाएगा किससे, रोवन प्लान से। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न करने हैं। रोवन, हेल्से, टेलर, इमर्शन, हमने सब कई प्लान देख लिए हैं, तो मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर जॉब एक्स इज 100 आवर्स। 100 आवर्स में काम खत्म करना है, लेकिन एक वर्कर ने 60 घंटे में काम खत्म कर लिया, तो उसे कुछ बोनस मिलना चाहिए। बोनस के बारे में ये बता रखा है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, और कितना उसे बोनस मिलेगा। टाइम अलाउड का कितना बचा लिया, अगर 10% टाइम सेव करा तो 10% बोनस मिलेगा, 11 से 20% के बीच में टाइम बचाया तो 15% मिलेगा, 21 से 40% के बीच में बचाया तो 20%, 41 से 100% के बीच में बनाए तो 25% बोनस देंगे। रेट है 1 घंटे का 1 रुपया। अब कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर एंड ऑल्सो द रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना है, द स्टैंडर्ड आवर्स है 100 आवर्स, टाइम टेकन की बात करें तो कितने घंटे लिए, 60 आवर्स, तो यानी कि 40 आवर्स बचा लिए, टाइम सेव्ड हो गया 40 आवर्स। अगर हम परसेंटेज में देखें कि टाइम सेव टू टाइम अलाउड कितने परसेंट बैठेगा, यानी परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, तो देखें 40 आवर्स सेव करें, टोटल 100 आवर्स मिले, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे तो 40 ही आएगा, 40%। 40% का मेथड के हिसाब से देखिए, 40% 21 से 40% में आ गया, तो हमें बोनस मिलेगा 20%, यानी जो बोनस मिलेगा वो 20% मिलेगा टाइम सेव्ड का, तो बोनस इज 20% मिलेगा। तो यानी कि अगर अमाउंट देखें तो कितना मिलेगा, बोनस इन आवर्स, आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इसे, तो 20% मिलेगा बोनस ऑफ टाइम सेव्ड, तो 20% ऑफ टाइम सेव्ड का निकालना है। तो टाइम सेव्ड है 40 घंटे, तो 20% ऑफ 40 घंटे 20/100 कर दो तो 8 आवर्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा बोनस, 8 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे इसको दे दिए जाएंगे। तो अब टोटल आवर्स कितने हो गए इनके काम करने के, 60 आवर्स में एक्चुअल टाइम करा प्लस 8 आवर्स का बोनस मिल गया, तो 68 आवर्स का टोटल आवर्स के पैसे मिलेंगे। तो अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ वेजेस 68 आवर्स इंटू रेट है ₹1, तो ₹68 इनको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। मैं समझता हूँ अगर अब आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू। अब हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, सब मेथड अब हम सीख चुके हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि एक आइडियल सिस्टम, इतने सारे इंसेंटिव प्लान्स देखे, उसमें आइडियल सिस्टम जो होना चाहिए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि कौन सा सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। जो भी सिस्टम लें हम, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा वेज पेमेंट सिस्टम बनेगा। पहला पॉइंट है देखिए सिंप्लिसिटी, कि जो भी हम सिस्टम अडॉप्ट करें, हेल्से प्लान, रोवन प्लान, बेडॉक्स प्लान, इमर्शन प्लान, जो भी प्लान हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। सभी वर्कर्स को वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर वर्कर्स को समझ में नहीं आएगा तो उसे वो शक की निगाहों से देखेंगे। तो इसलिए प्लान जो भी हो वो सिंपल होना चाहिए और वर्कर्स को क्लियरली उनको बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए कि ये प्लान इस तरीके से वर्क करेगा। दूसरा है इंसेंटिव टू वर्क। प्लान इस तरह का हो कि वर्कर्स को सफिशेंट इंसेंटिव मिल सकें, कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक वो काम कर सकें, इस तरह का वो प्लान होना चाहिए। फिर है सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी सेटिस्फैक्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स एंड रिवार्ड शुड बी रिलेटेड टू एफर्ट। यानी कि प्लान जो है वो, सिस्टम जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स की निगाहों में वो सही होना चाहिए, और जो भी हम रिवार्ड मिले एक एफर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, यानी कि मेहनत से इस रिवार्ड को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेनिटी। इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ एम्बिग्युटी और अनसर्टेनिटी, यानी कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये प्लान सही चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसमें कुछ, किसी में प्लान में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो क्लियर होनी चाहिए हर बात, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्लान्स में वो सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटीड मिनिमम वेजेस। जो भी प्लान अडॉप्ट करें हम, उसमें एक मिनिमम गारंटी वेजेस तो होना ही चाहिए, कि पता रहे कि कम से कम वर्कर को इतना तो मिलेगा ही। उस वर्कर को पता होना चाहिए कि अगर मैं जितना भी काम करूं लेकिन मुझे इतने रुपए तो मिलेंगे ही। तो द सिस्टम शुड गारंटी अ मिनिमम वेज टू एवरी वर्कर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी आउटपुट। देखिए जो भी प्लान है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम केवल क्वांटिटी को ध्यान में रखें और क्वालिटी ख़राब हो जाए। तो प्लान इस तरह के हों, सिस्टम हमारा वेज पेमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो वर्कर्स को खाली क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, उसके साथ साथ उसे क्वालिटी भी इंप्रूव करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, कि अगर विदेश भी जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई वो रिजेक्ट ना हो। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनने चाहिए। क्वांटिटी तो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल इन एग्जीक्यूशन एंड शुड इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि प्लान जो हो, सिस्टम हो, बहुत महंगा ना हो, कंपनी के नज़रिए से वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कि उसे हम लागू करें तो कंपनी पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े और इससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़े। अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी तो फिर कोई फ़ायदा प्लान का नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिटी मतलब कि सिस्टम बदल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेथड्स बदल जाते हैं, वर्किंग के तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, तो ये प्लान सब चीज़ों में, सब मेथड्स में वो अडॉप्ट हो सके, कि अगर कोई सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ सिचुएशन बदल रही है, कुछ कंडीशंस बदल रही हैं, तो प्लान फ्लेक्सिबल हो कि हम उसे उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें, कि जो भी वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं या कोई प्रोसीजर बदल रहा है तो उसमें वो प्लान एडजस्ट हो सके। और लास्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहा गया है कि हम पता लगा सकें कि ये प्लान इस तरह का हो कि वो कैपेबल हो सके, कि प्लान पता सके कि कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सही तरीके से काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, कोई बिना मेहनत के कोई काम ही नहीं कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है। तो अगर ये हमें पता लग जाए तो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हम अच्छा रिवार्ड दे सकते हैं, और वो ज़्यादा एनकरेज होंगे काम करने के लिए, ज़्यादा मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए। तो जो ज़्यादा मेहनत करे उसे ज़्यादा रिवार्ड मिले, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसे रिवार्ड ना मिले। तो ऐसा प्लान होना चाहिए कि जो मेहनती और जो मेहनत ना करने हैं या कामचोर लोग हैं, उनको वो पता लगा सके, फाइंड आउट कर सके कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। और ये प्लान जब हमारा इफेक्टिवली काम करेगा तो जो अच्छी मेहनत करने वाले हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब ये लेबर कॉस्ट है, लेबर रेम्यूनरेशन वगैरह इंसेंटिव्स मेथड आप समझ गए होंगे। हमने थ्योरी भी देखी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।